उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उपचुनाव आयुक्त विजय देव ने कल लखनऊ में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पहली बार रक्षा सेवा से जुड़े लोग ई पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सभी पुलिस स्टेशनों को आपराधिक कृत्यों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है और अगर ऐसा होता है तो SHO की ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है। उपचुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव तारीख घोषित होने के 24 घंटे के भीतर राज्य में सख्ती से चुनाव आचार संहिता का पालन कराया जाएगा।